नाम क्या है? मेरा नाम मैसन नफू खान है। कहाँ से हैं? ओला जागीर से। हेलो बोल सकता है? बिथरी चैनपुर। क्या शिकायत करने आया थे सर? मैं शिकायत करने के लिए आया था कि मैं दो तीन चार दिन पहले की बात है, मुझे मेरे साथ मारपीट करी और मुझे रुमाल डाल के मेरा गला दबाया और मुझे मारने की कोशिश करी, जान से बड़ी मुश्किलों से छुड़ा पाया हूँ। और उससे पहले भी झगड़ा किया था। किसने गला दबाया आपको? ये छोटा पाटी है, नौसाद है, ये सब साथ में थे, ये दोनों भाई हैं, एक लड़का है उनका। ये कहाँ रहते हैं? ये वहीं उल्ला जागीर में रहते हैं। अच्छा। मेरा जमीन का मैटर चल रहा है। अच्छा। और मुझे मेरी जमीन जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। अच्छा। और मुझे उल्टे सीधे झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। बहुत जमीन मेरे, हम जितने परिवार के लोग हैं सबके नाम से है। अच्छा। मेरा भी नाम है उसमें। तो ये सब झूठे मुकदमों में परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे, और मुझे फंसाने की कोशिश करते हैं, झूठे मुकदमे लिखाते हैं मेरे ऊपर उल्टे सीधे। मैं अपने तीन भाई और दो भतीजे, मैं जमानत कर करके मैं परेशान हो गया हूँ। तो अभी ये इसमें शामिल है जमीन के मामले में, झगड़े में वो लोग शामिल नहीं थे, लेकिन जमीन के मामले में मुसाहिद प्रधान है, साबिर है और छोटा पार्टी है और कयूम उर्फ नेता है। तो ये सब जमीन के मामले में ये सब शामिल हैं। ये जबरदस्ती मेरी जमीन कब्जा कर रहे हैं। मैं अपनी जमीन लेने के लिए मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई सुन नहीं रहा है और बिथरी थाने से भी मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। थाने में चौकी कहीं सुनवाई नहीं हुई? कहीं सुनवाई मेरी नहीं हुई है। आज एसएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? आज आश्वासन दिया एसएसपी साहब ने कि आप सब्र रखो, आपको इंसाफ मिलेगा, ये दिया है। और ये घर में घुस घुस के मुझे मारने की कोशिश करते हैं, गली में घेर लेते हैं, इधर उधर रोड पे भी घेर लेते हैं ये, और उल्टे सीधे दूसरों से ये फ़ोन कराते हैं और मुझे बदतमीजी से मेरे साथ पेश आते हैं ये, और गालियाँ देते हैं उल्टी सीधी। बहुत ज़्यादा इन लोगों ने मुझे परेशान करके रखा हुआ। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ की सरकार से और यहाँ के जो अधिकारी हैं सबसे मैं इंसाफ चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और मुझे 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 मेरी जमीन मिलना चाहिए और मुझे झूठे मुकदमों से मुझे बचाया जाए। ठीक।